नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जीजा से करने लगी प्यार तो एक तरफा आशिक ने ले ली जान, चाकू से वार कर उतारा मौत के घाट, दो गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में चौंकाने वाली खबर है। यहां एक तरफा प्यार के चलते युवक ने लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने हत्या के जुर्म में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल 25 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली थी कि जमोड़ी थाना क्षेत्र के छिनरोही गांव में सड़क के किनारे झाड़ियों में एक लड़की का शव पड़ा है। शरीर में चोट के निशान भी हैं। सूचना मिलते ही शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया है। वहीं जांच के दौरान पता चला कि मृतका अपने ही पड़ोस के रहने वाले मुंह बोले जीजा से प्रेम करने लगी, जो आरोपी धर्मेंद्र सिंह को पसंद नहीं था। इसके पहले भी एक तरफा प्यार में पागल सन की आशिक धर्मेंद्र प्रेमिका यानी मृतका से अवैध संबंध बनाने का दबाव डालता था, लेकिन लड़की ने अनसुना कर दिया। घटना के एक दिन पहले यानी 24 अगस्त को लड़की अपनी भाभी के साथ घर के सामने बैठी थी। उसी दौरान धर्मेंद्र अपने साथी के साथ आया और बोला, मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। उसके बाद वह चला गया। भाभी को भी मारने की दी धमकी। आधी रात को वह अपने साथी के साथ प्रेमिका के घर पर पहुंचा तो उसकी प्रेमिका अपने भाभी के साथ सो रही थी। सन के आशिक उसे उठाकर दूसरे कमरे में ले गया, फिर चाकू से वार कर और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने भाभी को भी धमकाया कि तुम्हें भी जान से मार देंगे, जिस वजह से वह डरी सहमी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद शव को सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया था। पुलिस ने घटना पर दी है जानकारी। सीधी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने बताया कि मृतका अपने भाभी के घर पर रहती थी। घटना के दिन घर में उसकी भाभी और मृतका थे। आरोपियों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल इस कांड में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।